मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैरागॉजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं वार्षिक पाठ योजना। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग योजनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि पाठ योजना या योजनाएं क्या है एक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए पाठ योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अब पाठ योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहली चीज जो है हम उसमें दैनिक पाठ ना लेकर, क्योंकि पाठ योजना से तात्पर्य हम लोग पहले दैनिक पाठ योजना से ही लगाते हैं और होता भी रही है। योजना के निर्माण में सबसे पहली जो योजना बनती है वह वार्षिक योजना बनती है। वार्षिक योजना वह प्रक्रिया है या वह योजना है जिसमें कि वर्ष सत्र प्रारंभ होने से पूर्व शिक्षक पूरे सत्र के अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम शैक्षणिक योजना का निर्माण कर लेता है कि इस विषय की जो शैक्षिक योजना है उसका निर्माण वह कर लेता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को किस तरह से कितने कागज में और किन सहायक सामग्री गतिविधियों के माध्यम से वह पूर्ण करें, क्योंकि ये पूर्व में ही निर्धारित हो जानी चाहिए जिससे कि उसे पता रहे कि उसको संपूर्ण सत्र कार्य कैसे करना है। इसीलिए वार्षिक योजना के लाभ पर हम सबसे पहले, क्योंकि इसको इसके निर्माण का सबसे आवश्यक जो है इसके लाभ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे संपूर्ण सत्र शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए लाभकारी विधि है। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा है वार्षिक पाठ योजना के लाभ, वार्षिक पाठ योजना के लाभ, हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो इसमें लाभ है वह है कि कुल कितने कालांश है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कालांश है कि जानकारी मिल जाती है, क्योंकि कुल कितने कालांश में आपको अमुक पाठ्यक्रम को पूरा करना है इसकी स्पष्ट जानकारी आपके सामने होती है। दूसरा, इकाईवार उद्देश्य उद्देश्य निर्धारण, इकाईवार उद्देश्यों का निर्धारण होता है जिससे कि संपूर्ण सत्र में विषय के किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी है इसकी सूचना अध्यापक को पहले से ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह इसके बारे में उसे पहले से पता स्पष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी उसके सामने होती है, जिससे कि उसे अपनी संपूर्ण क्रिया संपूर्ण शिक्षण सामग्री को एकत्रित करने में सुविधा रहती है। अगली बात जो यहाँ पर अगला जो यहाँ आएगा वह है इकाई योजना की पूर्व तैयारी, इकाई योजना की पूर्व तैयारी। दूसरा है पाठ योजना बनाना आसान। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जब वार्षिक योजना बनाई जाती है तो निश्चित है कि पूरी योजना को पूरे विषय वस्तु पाठ्यक्रम को जो विषय से संबंधित पाठ्यक्रम है उसको विभिन्न इकाइयों में इकाइयों के साथ में दैनिक पाठ प्रकरणों में और उन प्रकरणों के शिक्षण बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी उसके अंदर होती है। ऐसे में इकाई योजना की पूर्व तैयारी हो जाती है और उसके साथ जब इकाई योजना की पूर्व तैयारी हो जाती है तो स्पष्ट है कि पाठ योजना बनाना आसान हो जाता है, सरल होती है और उसको फिर जब पाठ योजना बनानी होती है उस समय सरलता और सुगमता से उस कार्य को वो आसानी से तैयार कर लेता है और सबसे बड़ी चीज मानसिक रूप से वह तैयार रहता है कि किस तरह की
योजना उसे बनानी है। तो यहाँ हम इसको एक पॉइंट दे सकते हैं, मानसिक रूप से तैयार, यानी कि एक शिक्षक मानसिक रूप से तैयार रहता है कि उसे कौन सा पाठ कब कैसे किस तरह से पढ़ाना है, क्योंकि उसको जब पूर्व तैयारी हो करके चलता है, तो जैसे उसने किया वार्षिक योजना बना रहा है, तो उसे पता है कि जैसे सहायक सामग्री है, एक सहायक सामग्री जो बनाई है उसने, उसका कितने प्रकरणों के अंदर या इकाई के अंदर उपयोग में लाया जा सकता है, ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो उस सहायक सामग्री का निर्माण भी उसी स्तर का किया जाएगा, जिससे कि वह एक बार, चार बार, दस बार, कितनी बार उपयोग में लाई जा सकती है, जो कि बालक के शिक्षण को प्रभावी बना सकती है। तो उसका निर्माण वह फिर उसी हिसाब से स्थायी रूप से करना है या अस्थायी सामग्री का, तो वो चीज उसको मानसिक रूप से पूर्ण रूप से वह तैयार रहता है। उसके बाद में है अध्यापक कार्य में नियमितता। अध्यापक कार्य में नियमितता, ठीक है ना, अध्यापक का जो कार्य है उसमें नियमितता बनी रहती है, क्योंकि उसे पूरी योजना सामने होती है, तो उसे पता रहता है कि किसके बाद में कौन सा कार्य उसे करना है, इसलिए वह नियमित रूप से उसकी प्रक्रिया या कार्य नियमित बना रहता है। उसके बाद में है सत्र पर्यंत शैक्षिक क्रियाओं का नियोजन। सत्र पर्यंत शैक्षिक प्रक्रिया का नियोजन, यानी कि वार्षिक पाठ योजना का अगला लाभ यह है कि सत्र पर्यंत कौन सी शैक्षिक प्रक्रियाएं उसे करनी है, किस तरह से करनी है, कौन से साधनों का उपयोग करना है, इसका नियोजन पहले से ही हो जाता है, जिनकी व्यवस्था कर पाने में अध्यापक को जानकारी प्राप्त होती है और सुविधा भी और समय रहते हुआ सभी संसाधनों को सरलता से उपलब्ध या उजुटा पाता है। उसके बाद में है छात्रों का व्यक्तिगत भिन्नताओं का मद्देनजर रखना। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी, क्योंकि वह जितनी भी योजना बनाएगा उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते, यानी कि उसको ध्यान में रखकर कार्य करेगा, जिससे कि सत्र पर्यंत जितनी भी क्रियाएं हैं उनको सुगमता पूर्वक व सरल से आयोजित कर सके। उसके बाद में है मूल्यांकन योजना की स्पष्टता। मूल्यांकन योजना की स्पष्टता, यानी कि मूल्यांकन की योजना स्पष्ट रूप से बनाई जा सकती है, क्योंकि उसे पूरे सत्र पता होता है कि कौन सी गतिविधि कब आयोजित करनी है, कितने मूल्यांकन के लिए उस, इसके बाद हाँ एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं, सुधारात्मक सुधारात्मक मूल्यांकन का भी उल्लेख। दो चीजें हैं हमारे पास में, मूल्यांकन योजना की स्पष्टता, सुधारात्मक मूल्यांकन का भी उल्लेख, यानी कि जब वार्षिक योजना बनाई जाती है उसमें मूल्यांकन की हर प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है, कि जैसे कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, इकाई के बाद किस तरह से इकाई योजना के इकाई के बाद में किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, प्रथम परख द्वितीय परख के अंतर्गत कौन कितनी विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना है, तिमाही वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा का कितने प्रकरण या कितनी विषय वस्तु जो इकाइयां हैं आ सकती हैं,
उनका उसे पहले से पता होता है, जिससे कि वह मूल्यांकन की संपूर्ण स्ट्रेटेजी को पहले से ही निर्मित करके चलता है और मूल्यांकन सही तरह लक्ष्य तक बालक पहुंच सके उसकी वह पूर्व में ही तैयारी कर लेता है, जिसका उसे पहले से ही पता चल जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर सुधारात्मक मूल्यांकन के लिए भी उसे, क्योंकि हर इकाई हर प्रकरण के बाद वो मूल्यांकन करता है, जिससे कि उसे एक तो निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण का पता चल जाता है कि किस तरह से उसको करना है, और फिर बाद में उसका उपचार कैसे करना है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था के लिए भी उसके पास समय निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार हो जाती है, क्योंकि संपूर्ण कालांश उसके सामने होते हैं तो उस चीज की वो स्पष्ट तैयारी कर लेता है कि किस समय कौन सा कार्य उसे करना है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। अंतिम बात इसमें है विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। विद्यालय में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग, ठीक है ना। यहाँ पर उसे स्पष्ट जानकारी होती है कि विद्यालय में कौन कौन से मानवीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका किस तरह से सहयोग लिया जा सकता है, उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब वार्षिक योजना बनाई जाती है तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से उसे पता होती है, जिससे कि वह सही समय पर सही कार्य, सही वस्तु या सही व्यक्ति का उपयोग करके सहायता लेकर और शिक्षण कार्य को प्रभावी और उचित कर सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न हल करना है कि वार्षिक पाठ योजना के लाभों को स्पष्ट कीजिए। वार्षिक पाठ योजना के क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। हमारा प्रश्न है वार्षिक पाठ योजना के क्या लाभ हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले COVID-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलना पड़ता है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।